बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बिजनेस को जानना जरूरी है ताकि उस बिजनेस में कभी नुकसान न। नंदकेश ब्लॉक और आज आए हुए हैं किशनगंज से नोटबुक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, एक नया युवा उद्यमी आए हुए हैं और उनसे जानते हैं और उनके बारे में उनका परिचय लेते हैं, कहां से आए हैं और उनका क्या यहां पे आने का मकसद हुआ, बताइए अपने बारे में। जी, मेरा नाम साबिर, मैं किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से आया हूं और मैं भी ये उद्योग लगाना चाहता हूं और आपका सपोर्ट चाहिए और इसी विशेष में आपसे बात करने के लिए हम आए हैं कि कुछ जानकारी हमको आपके थ्रू प्राप्त हो जाए। यहाँ आने का मकसद है आपकी जानकारी प्राप्त हो जाए। बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं अभी यूट्यूब पे और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं धुरंधर यूट्यूब पे, तो आपको वहां जो आपने देखा उचित नहीं लगा वीडियो ना जी, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तभी नहीं आए जी। तो दोस्तों, ये आए हुए हैं किशनगंज से और इनको यहाँ आके कैसा लगा, आपको यहाँ आके कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर, यहाँ का सेटअप बताइए जरा। सेटअप बहुत बढ़िया है, सेटअप टूर आपने किया, देखिए दोस्तों ये देखिए सेटअप टूर इन्होंने किया है जी। जी, आपको सेटअप टूर तो कर लिए आप जी, तो आपको यहाँ कैसा वातावरण लगा? बहुत अच्छा लगा। कितने दिन में आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं? देखिए, अब आपसे मिलके उसके बाद फिर हम मिलाएंगे, एक दो महीना भी लग सकता है। और 15 दिन में भी कर सकते हैं जी। जी, आपसे डिस्कस होने के बाद ही मालूम पड़ेगा। तो मैंने जो आपको जानकारी अभी दी नोटबुक बिजनेस के बारे में, और बिजनेस का सबसे रीढ़ होता है मार्केटिंग। बिजनेस कोई भी आप लगाइए लेकिन उसका रीढ़ होता है मार्केट साइज, कि प्रोडक्ट तो हम से बना लेते हैं, वो सेल कैसे करेंगे और सेल होने के बाद उसमें क्या प्रॉफिट मार्जिन है, क्या वो माल मेरा उधारी लग रहा है या नगद में सेल हो रहा है, इसकी मेन जानकारियां आपको लेने के लिए आए हैं जी। जी, यहां आके आपको जो जानकारियां मिली है, जरा दर्शकों को बताइए हमने क्या जानकारियां आपको दी मार्केटिंग के बारे में। सर, जो बताए वो बहुत बढ़िया मार्केटिंग के बारे में आप बताए हमको, उतना मैं नहीं सोच रहा था, नहीं समझ रहा था, वो समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ आने के बाद आपसे पूरा जानकारी हमको मिल गया कि कैसे सेल करना है जी। मतलब सेल में अब प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको? जी, नहीं आएगी। तो दोस्तों देख सकते हैं, इन्होंने मेरे से आके सेल की जानकारियां ली और इनको मैंने बहुत ही बारीकी से सेल का जानकारियां दी, क्योंकि लोग हवा में उड़ते हैं, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं होता है, यूट्यूब पे वीडियो देखा और बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आज स्टार्ट किया कल बैठ गया। लेकिन जब आपको नॉलेज हो जाएगा सेल का, तो फिर आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है बिजनेस को ऊपर करने से, क्योंकि एक सेल ही एक ऐसा चीज है जो एक गरीब को भी अमीर बना सकता है। आप समझिए जरा, सेल करके एक प्रोडक्ट से आप एक रुपया भी कमा सकते हैं और एक ही प्रोडक्ट को सेल करके करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। तो वो बारीकी जानना है, सेल का क्या बारीकी है। ये किशनगंज से आए हैं और इसको मैंने पूरे डिटेल में सेल समझाया जी, जी। वो सेल आपको कहीं पहले कुछ आइडिया था उसके बारे में? जी, नहीं था। ये होता है डाटा एनालिस्ट, सेल, ये सब जानना चाहिए आपको दोस्तों। उसके बाद आइए, मिलिए, जानकारी लीजिए, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट कीजिए अपना, कोई नहीं रोकेगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भैया, कुछ लोग कमेंट कर देते हैं कि भैया आप डिमोटिवेट कर रहे हो, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर, बोलने के लिए कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन एक बार आके आमने सामने मिलने से ये गलत फहमी दूर हो जाती है। जैसे कि मेरा हो गया जी। देखिए दोस्तों, यहाँ यूट्यूब पे बड़े बड़े धुरंधर हैं और झूठ बोल के पैसा कमा रहे हैं। हमको झूठ नहीं बोलना है, रियलिटी दिखाना है और रियल बात जिसको अच्छा लगे वो हमसे जुड़े, जिसको अच्छा नहीं लगे वो हमसे नहीं जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम सत्य बोलेंगे, कटक सत्य बोलेंगे। और जब सत्य परेशान हो सकता है
लेकिन झुक नहीं सकता है, ये अटल सत्य है जी। आप ये बताइए कि इसके पहले आप क्या करते हैं? सर मेरा जनरल स्टोर है जी, और किसान भी हैं हम, छोटे मोटे छोटे मोटे जी। तो 3 साल हो गया मैक्सिमम, कॉस्मेटिक का भी हम ये करते हैं दुकान बिजनेस। तो ठीक है, हम सोचे कि साइड बिजनेस एक और कर लें, तो आपका जब यूट्यूब में वीडियो देखा तो हमको अच्छा लगा, हम उसी दिन हम दिल में अहद किए कि चलो भाई से मिल लेते हैं, कुछ हमको जानकारी प्राप्त हो जाए जी। इसके कारण आज हम आए हैं आपके पास, और आपसे बहुत बढ़िया हमको जानकारी मिला, और उम्मीद है कि कल चल के हम उद्योग लगाएंगे तो आपसे फिर हमको सपोर्ट मिले, और आपका ही सपोर्ट हमको चाहिए। और बहुत अच्छा सर आप बात किए, आपका व्यवहार और हर चीज मुझे अच्छा लगा। मेरा जो सेटअप है, बहुत लोग कहते हैं कि आप सेटअप नहीं दिखाते, सेटअप तो मैंने आपको दिखाया जी। दिखाया? हाँ दिखाया। कि नहीं दिखाया? नहीं नहीं पूरा दिखाया। आपके आगे सेटअप लगा हुआ है? हाँ सामने है तो सामने है तो दिखाना दिखाना क्या है। तो दोस्तों ये किशनगंज से आए और इनको मैंने बारीक से डिटेल में समझाया, और कुछ कॉपी का नॉलेज इन्होंने जानना चाहा, जैसे कि उठाइए कॉपी, ये 10 वाली है और ये किशनगंज में इसका रेट 6.5 रुपया है जी, और हम इसको बोले 6.25 में प्रोवाइड कर देंगे यहां जी। हाँ अगर 6.25 में आप यहां से लेना भी चाहते हैं तो ले सकते हैं हमसे, 6.25 रुपया में कॉपी को हम सेल कर देंगे। 20 वाली कॉपी आप उठाइए, इसका क्या रेट में वहां चल रहा है किशनगंज में? वहां पर 15.5-16 रुपया 16 रुपया आप पकड़ के चलिए, आपको यहां 15 में सेल हो जाएगा, आप यहां से 15 में लेके जाइए जी। 30 वाला कॉपी उठाइए आप, हाँ 30 वाला कॉपी यहां से 24 में सेल हो जाता, वहां कितना में सेल होता है? वहां ऐसे ही 26-26.5 रुपया में। और 40 वाला ये कॉपी है, ये 33-50 में सेल हो जाता है यहां से, वहां कितना में सेल होता है? वहां 34.5-35 34-35 में होता है। तो मैंने इनको कॉपी का भी नॉलेज दे दिया है, क्या रेट है नहीं है, और जिनको बिजनेस का नॉलेज लेना हो, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बिजनेस को जानना जरूरी है ताकि उस बिजनेस में कभी नुकसान नहीं हो। जब फुल डिटेल आप बिजनेस का लीजिएगा तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा, और आधा अधूरा जानकारी लेके स्टार्ट करिएगा तो आपको नुकसान होगा, और बाद में बोलिएगा हमको नुकसान हो गया, तो बाद में बोलने से बेहतर है आप पहले समझ लें, जानने से बेहतर है पहले आप जान लें ताकि आपको आने वाले भविष्य में कभी नुकसान नहीं हो। कुटीर उद्योग जो आज मुहासे पे खड़ी है, उस खड़ी को हम ठीक करने के लिए आए हैं, और जिनको भी हमसे मिलना हो मिले, और आपको पूरा जानकारी मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। आप आए, आपको पूरा जानकारी मिला कि नहीं मिला? हाँ पूरा जानकारी मिला। जब आपको जानकारी मिल गई आपको अच्छा महसूस हुआ होगा। हाँ। इसी तरह दोस्तों जब कोई भी बिजनेस हम ले लेते हैं ABCD, हर बिजनेस का जानकारी आपको अगर उचित जानकारी मिल जाए तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, और जब आप करिएगा तभी आगे बढ़िएगा, बैठे रहने से अच्छा है कुछ करिए और आगे बढ़िए, उस आगे बढ़ने की कड़ी में हम आपका साथ हैं। क्या जी आप दर्शक को कुछ बोलिए, 2 लाइन आप, जैसे कि हम आए हैं नंद किशोर भाई के पास, जो हम जानकारी चाहते थे वो भी हमको मिला, जो नहीं चाहते थे वो भी हमको मिल गया, तो आप लोग से यही दरखास्त है कि आप लोग अगर चाहते हैं बिजनेस शुरू करना या उद्योग लगाना तो आप भाई से एक बार मिल लीजिए और हर डिटेल समझने के बाद काम कीजिए। बिना डिटेल का मत स्टार्ट कीजिए, ये बताइए। बिना डिटेल का काम स्टार्ट मत कीजिए।
हर काम सोच समझ के और समझ के कीजिए कि कल चल के हमको कोई भी चीज बिजनेस आज आप उद्योग लगाएंगे कल चल के बंद ना करना पड़े। मेरे आपसे यही गुजारिश है कि भाई से कुछ जानकारी लेके उसके बाद शुरू कीजिए काम आप। मिलिए जुलिए, जब तक मिलिएगा नहीं तब तक जानकारी आपको नहीं होगा, और जब मिलिएगा एक दूसरे से, एक तरह से मैन्युफैक्चरर जब मिलते हैं कोई भी चीज में, छोटा जैसे हम लोग छोटा व्यापारी हैं, और जब तक मिलेंगे नहीं तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। और मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं, वो मुंह बा के बैठे हुए खा जाते हैं। दोनों पत्तल ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए, और भी बिजनेस बहुत सारे बिजनेस हैं। ये सारे बिजनेस में जानते हैं क्या पोजीशन है अभी, मशीन बेचने की होर लगी हुई है, और वो मशीन बेच के तो कमा लेते हैं, यहां फंस जाते हैं गरीब लोग मशीन खरीद के। तो मशीन सोच समझ के सब बात डिटेल लेके लास्ट में परचेज कीजिए, तब आपको कभी नुकसान नहीं होगा। और कमेंट करने से पहले सोचिए कमेंट किस पे कर रहे हैं। हम तो आपके लिए खड़ा हैं, हमने बोला आप हमसे बात कीजिए, उन्होंने बात भी नहीं किया हमसे। ये सब दिक्कतें आती रहती है, लेकिन बिजनेस को चलाना, बिजनेस को सक्सेसफुल रन करना दोनों अलग अलग चीज है। सक्सेसफुल रन तभी होता है जब एक अच्छा गाइड मिलता है, एक अच्छा प्रॉपर आपको नॉलेज मिलेगा। बिना जानकारी का कोई भी बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा तो दलदल में फंस जाइएगा, बाद में बोलिएगा उस दलदल से निकालिए हमको, तो मुश्किलें तो आएगी, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। जब भी हमको याद करिएगा हम आपके साथ खड़ा रहेंगे। हमेशा बोलते हैं आप डायरेक्ट बात कीजिए हमसे, बीच में नहीं रहिए, डायरेक्ट बात कीजिए, और आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमसे आके आप मिल सकते हैं। इन्होंने मेरा सेटअप देखा, सारा चीज अच्छा रहा, और जिनको भी बातचीत अच्छी लगती है ठीक बात है, जिनको अगर थोड़ा कष्ट भी होता है मेरे करवे बात मतलब करवा लगता है, उसको भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि सच्चाई करवा होता है दोस्तों, लेकिन हम सत्य के साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। और ये गोपालगंज, मुरलीगंज, हैवगंज, गोपालगंज बहुत डेंजर आदमी है, अभिषेक गोस्वामी बहुत डेंजर आदमी है, उसके चक्कर में पड़ जाइएगा तो आप बर्बाद हो जाइएगा। और हम सच्चाई बोलेंगे तो आप बोलिएगा कि आप डीमोटिवेट कर रहे हैं। हमने किसी को डीमोटिवेट नहीं किया है, हमने मोटिवेट करने के लिए ये पोर्टल ऑन किया है, हमने मोटिवेट करने के लिए पोर्टल ऑन किया है, और इस पोर्टल पे आके बहुत लोगों को आज फायदा हो रहा है। कल बेगूसराय से आए हुए थे, कल उनको फायदा हुआ, हमसे बात किया, और इनको भी फायदा होगा। पूछ लीजिए इनसे जी, क्या जी सही क्या लगता है आपको, हमने नुकसान पहुंचा दिया? नहीं नहीं नहीं, नहीं पहुंचाया नहीं, है ना? जो बताया बहुत अच्छा बात बताया, वो हम नहीं सोच रहे थे, इतना गहराई तक हम नहीं सोच रहे नहीं थे। सोच रहे वो चीज हमको आज जानकारी मिला आपसे, बहुत अच्छा लगा। और जब आप स्टार्ट करिएगा ना नोटबुक का बिजनेस, हम जाएंगे आपके यहाँ और वहां जाके आपको पूरा डिटेल दिखाएंगे, समझ गए? एक चैनल और क्रिएट करेंगे जिसमें टोटल उद्यमी रहेगा जी। ग्रुप बहुत जल्द बना रहे हैं हम, जरूरी है। ग्रुप जब क्रिएट हो जाएगा उस ग्रुप में सिर्फ मैन्युफैक्चरर रहेगा जी, ऑल बिहार मैन्युफैक्चरर उसमें डालेंगे उसको जी। किशनगंज के बारे में कुछ बताइए, वहां का मार्केट साइज कैसा है? मार्केट बहुत बढ़िया है, बढ़िया मार्केट। और ये काम ऐसा है कि कभी खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। एजुकेशन डेवलप करते जा रहा है दिन ब दिन।
आबादी बढ़ रहा है और डेवलप हो रहा है, ये चीज कभी खत्म होने वाला चीज नहीं है। ये बिजनेस जो है दोस्तों नोटबुक की कभी खत्म होने वाला बिजनेस नहीं है। अगर सही सोच, सही दिशा, सही गाइड से अगर स्टार्ट किया जाए तो ये बिजनेस कभी खत्म होने वाला नहीं है और कभी झुकने वाला बिजनेस नहीं, ये हमेशा आपको प्रॉफिट देके जाएगी। लेकिन सही सोच, सही गाइड, सही दिशा जरूरी है। आज उसी दिशा में ये आए हैं, कल आप भी आ सकते हैं। तो जिनको भी जुड़ना हो वो जुड़े हमसे,